नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, राजा भैया और अखिलेश यादव, जी हाँ, इन दोनों के रिश्तों के बीच लगातार तनातनी जो है बनी रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो। लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद अब यहाँ पर राजा भैया का दिल भी जो है सख्त से मुलायम हो गया है। यहाँ पर जब से मुलायम सिंह यादव की तबीयत ख़राब हुई और मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तब से ही तमाम चीज़ों में मुलायम सिंह यादव के नाते से यहाँ पर राजा भैया अखिलेश यादव के साथ बने हुए नज़र आए। अखिलेश यादव का तमाम मुद्दों पर साथ दिया और तमाम चीज़ों पर देखिए यहाँ पर राजा भैया जो है अखिलेश का समर्थन करते हुए नज़र आए, अस्पताल में लगातार बने रहे परिवार के तरह। उसके बाद उनके निधन के बाद भी उनके घर पर दिवाली के अवसर पर भी राजा भैया पहुँचे थे। हालाँकि गुलशन यादव को उतार करके अखिलेश यादव ने राजा भैया से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजा भैया ने जो अपना एक बयान दिया था, जो उन्होंने कहा था कि हम सदन में रहें या ना रहें, हमेशा मुलायम सिंह यादव को हम लोग समर्थन पहुंचाते रहेंगे, और वही राजा भैया करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़ुबान पर राजा भैया खड़े नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चे में है। और अब आज़म खान के ऊपर जब इतनी बड़ी समस्या आई है, तो उस पर भी देखिए राजा भैया जो है खुलकर बोलते हुए, खुलकर बयानबाजियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, इस खबर पे आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।